आमतौर पर लोग पुलिस थाने का नाम सुनकर ही घबरा जाते हैं। थाने के नाम आम नागरिक एक नकारात्मक मानसिकता बनाकर डर जाता है, लेकिन अब पुलिस की इस छवि को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को लोगों की सुविधा के लिए FIR आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। गृह एवं लोक स्वास्थ्य मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा ने FIR आपके द्वार योजना का शुभारंभ कल किया। इस प्रकार की योजना लागू करने वाला देश का मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। गृहमंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण काल में FIR आपके द्वार योजना से समस्याओं का निवारण आसानी से हो सकेगा। प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए जनता को थाने तक नहीं आना पड़ेगा, थाना उनके द्वार तक पहुँचेगा। पुलिस विभाग की ये योजना मील का पत्थर साबित होगी। इस अवसर पर उन्होंने हेल्पलाइन डायल 112 की भी शुरुआत की। इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने से एम्बुलेंस, पुलिस और अग्निशमन सेवाएं एक साथ उपलब्ध हो सकती हैं। मंत्री ने बताया कि FIR आपके द्वार योजना 11 संभागीय मुख्यालयों के एक शहरी और एक ग्रामीण थाने में और गैर संभागीय मुख्यालय दतिया के एक शहरी थाना सहित पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 23 थानों में प्रारंभ की जा रही है। योजना के शुभारंभ के बाद डायल 100 के FRV 49 वाहन पर पहली FIR जवाहर चौक भोपाल के सुनील चतुर्वेदी ने दर्ज कराई। उन्होंने अपनी गाड़ी MP04ST0959 की चोरी होने संबंधी शिकायत डायल 100 पर की थी। इस अवसर पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि COVID-19 के संक्रमण काल में पुलिस ने उसी प्रकार से जनता की सेवा की है जैसे सेना के जवान सरहदों पर देश की सुरक्षा में जी जान से जुटे रहते हैं। इतनी गर्मी में PPE किट पहनकर जनता की सेवा करने वाले पुलिस जवानों ने जनता की सोच को बदल कर रख दिया है। डॉक्टर मिश्रा ने जान को जोखिम में डालकर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों का अभिनंदन किया। जो एक नजीर बनेगी, एक अच्छी शुरुआत है, उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं। इतनी जल्दी ये शुरुआत की, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भी है। FIR आपके द्वार योजना के पायलट प्रोजेक्ट के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। हेलो FIR 49, आपकी अपार्टी पर वाहन चोरी का इवेंट डिस्पैच किया गया है। डिटेल आपकी MBT पर अवेलेबल है। तुरंत कॉलर की लोकेशन पर पहुंचिए। 112 नंबर अकेला लगाने से आपको 108 की सुविधा मिलेगी, 100 डायल की भी मिलेगी और फायर ब्रिगेड की भी मिलेगी। ये तीनों सुविधाएं एक नंबर डायल करने से, जैसा उसमें होता है कि एक दवाएं तो वो 108 को ट्रांसफर हो जाएगा। अगर 100 डायल है तो दो दवाएं नहीं तो वहां से ये सेंट्रल यहीं से हो जाएगा। तो एक जगह ही हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सुविधा